सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम ये जो चैप्टर 8th स्टैंडर्ड साइंस का दैट इज़ इनसाइड द एटम ये ख़त्म कर देंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा इनर्ट गैसेस के ऊपर है, जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब इनर्ट गैसेस होते क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे बोलना होगा तो इनर्ट गैस वो एलिमेंट्स है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये जो अर्थ या पूरे यूनिवर्स में जो मिलती है इनर्ट गैस, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो दूसरे कौन से भी एलिमेंट के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर सपोज एक एग्जांपल इनर्ट गैस का जैसे कि नियॉन, ठीक है, सो ये जो नियॉन एलिमेंट है ये दुनिया के कौन से भी एलिमेंट के साथ ऐसा प्रॉपर रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, कुछ भी ऐसा केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है, वो अपने में ही खुश है। सो एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एटम्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी एटम है, जितने भी एलिमेंट्स के जो एटम है, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, किसको छोड़ के, इनर्ट गैसेज हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एटम्स मीनिंग दैट दे हैव अ नॉन जीरो वैलेंसी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोलते हैं कि जो इनर्ट गैस है उसका वैलेंसी क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के साथ कुछ केमिकल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ना ही कंबाइन होता है, ना ही रिएक्ट करता है, ठीक है। नाउ यू हैव सीन द फॉर्मूला, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एक देखा रहेगा बॉन्ड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2 या हाइड्रोजन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज वन, ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, वन, मतलब उसको एक ही एटम चाहिए या तो एक एटम देगा बॉन्ड बनाने के लिए। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन शोज दैट देर इज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द कम्प्लीट ड्यूप्लेट स्टेट, जैसे कि मैंने अभी बोला हाइड्रोजन का जो वैलेंसी वन है, मतलब उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट को कम्प्लीट करने के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियोज में मैंने बताया है कि अगर आपको प्रॉपर कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कम्प्लीट करना है तो या तो आपको ड्यूप्लेट बनाना पड़ेगा या तो जो ऑक्टेट बनाना पड़ेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। सो दिस नंबर वन मैचेस विद द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो वन, ठीक है। अब ये क्या करता है हाइड्रोजन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपने जैसे और एक पार्टनर को ढूंढेगा जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो वो देने के लिए रेडी है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, प्रॉपर एक बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें दो केसेस है, या तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, या तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाले के साथ प्रॉपर बॉन्ड बना के उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो दिस नंबर वन मैचेस विद द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो वन, ठीक है, जिसका वन है उसके साथ भी वो मैच करके प्रॉपर एक बॉन्ड बना लेता है। Moreover, it is learned that the electronic configuration of sodium is 281. अब एक sodium करके एक element है, ठीक है, जिसका configuration 281. मतलब पहले वाले shell में दो है, मतलब पहले वाले orbit में 2, फिर 8, फिर 1, मतलब last में 1 है, ठीक है। अब इसका valency भी क्या हो गया, मतलब 1 हो गया, क्योंकि उसके last में एक ही electron बाकी है, ठीक है। अब क्या हो गया, so electron in the valence shell and the valency of sodium is also 1. मतलब जो सोडियम है उसका भी वैलेंसी कितना है, वन है, एज सीन फ्रॉम द फॉर्मूला, अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जो लास्ट शेल है, ठीक है, जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी वैलेंसी वन रहेगा। सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, देखो केमिकल फॉर्मूला, देखो यहाँ पे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये अगर आपको पता रहेगा तो जो सोडियम क्लोराइड को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में सॉल्ट बोलते हैं, नमक, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एटसेट्रा। It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electron in its valence shell. मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो relation है, क्या relation है, किसके किसके बीच में relation है, कि the valency of an element, ठीक है, valency of an element and the number of valence electrons in the valence shell. Valency of an element मतलब अभी last videos में मैंने बताया था valency of an element क्या होता है, ठीक है, valency of an element मतलब उसको कितने electrons चाहिए अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ठीक है, मतलब ये दोनों का रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो बताता है हम लोग को। अब क्या है एग्जैक्टली वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल है, आप खुद से कंप्लीट कर लेना जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको, जब टोटली सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली,
ठीक है. सो नेक्स्ट आइसोटोप्स, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स क्या होता है? द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. अब एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, ठीक है. एटॉमिक नंबर का मतलब वही है, पिछले प्रीवियस वीडियोस में सब बताया था. सो द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी, ठीक है. सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर. कुछ कुछ एलिमेंट्स है ये नेचर के अंदर जिसके पास हैव एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है. अब कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स के एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है. अब जो एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, पिछले देखो यहाँ पे है, क्लियरली बताया है यहाँ पे लोग ने कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, ठीक है. सो एटॉमिक नंबर क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में, सॉरी, अपना ऑर्बिट में जो घूमते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर. और जो एटॉमिक मास नंबर है इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है. सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस ऑर्बिट के अंदर जो गोल गोल घूमते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर. सो जो कुछ एलिमेंट्स है ये यूनिवर्स में कि जो एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, सम एलिमेंट्स ऑफ उसका जो एटम्स है उसका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन उसके जो मास नंबर है मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट है. सो सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अब मैं जो बोल रहा हूँ ये जो आइसोटोप्स है वो सिर्फ सेम एलिमेंट का रहेगा, अलग अलग एलिमेंट नहीं. अगर मैंने हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन का ही काउंट किया जाएगा, अलग के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते आइसोटोप्स को, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जो सेम एलिमेंट्स ही है, हम लोग सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन उसके डिफरेंट टाइप्स. अब डिफरेंट टाइप्स मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, ठीक है. सो सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, तो जिसके मास नंबर टोटल डिफरेंट है मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस अगर वो डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया, देखो कार्बन का. अब कार्बन के पास तीन आइसोटोप्स है, कार्बन हैज थ्री आइसोटोप्स नेमली C12, C13 एंड C14. तीन आइसोटोप है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. क्या ये C12, C13 और C14? अब क्या है ये, द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द मेथड एज सी, ये जो है ऊपर करके नंबर लिख और नीचे उसका जो सिंबल है एलिमेंट का, ठीक है. अब यहाँ पे टेबल में बताया गया है कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, ठीक है. यहाँ पे आइसोटोप है, दैट इज C12, C13 और C14. मास नंबर 12, 13, 14, ठीक है. मास नंबर मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है. यहाँ पे देखो प्रोटॉन नंबर 6, टोटल न्यूट्रॉन 6. यहाँ पे है 6 लेकिन यहाँ पे है 7. यहाँ पे है 6 लेकिन यहाँ पे है 8. मतलब जो पहला वाला आइसोटोप है C12 उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है. अब मास नंबर क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब 6 + 6 = 12, तो इसलिए यहाँ पे 12 आया, बरोबर. ये हो गया मास नंबर. अब और एक उसका आइसोटोप है, दैट इज 13, दैट इज C13, मतलब टोटल कितना है, 13 है. मतलब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है लेकिन 7 न्यूट्रॉन है. अब यहाँ पे देख सकते हो सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन पहले वाले कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन था, यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 है लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो 7 हो गया और नेक्स्ट में 8 हो गया. मतलब यहाँ पे नंबर जो है चेंज हो गया. अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है. अब यहाँ पे मास नंबर चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 6 + 7 = 13, 6 + 8 = 14, मतलब मास नंबर चेंज हो गया. तो ये सब जो ऐसे एलिमेंट्स हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है. सो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, दैट इज
हाइड्रोजन ऑल्सो, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके पास भी कितना आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स. दे हैव सेपरेट नेम्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ठीक है, अब ये जो वर्ड है इसका कुछ मीनिंग नहीं है, नाम है तीनों आइसोटोप, जो हाइड्रोजन का जो तीनों आइसोटोप है उसके नाम है. पहला क्या है, हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पहला वाला हाइड्रोजन जो उसका जो आइसोटोप है, इसके पास अलग कुछ तो मास नंबर रहेगा, इसके पास कुछ अलग मास नंबर रहेगा, इसके पास कुछ अलग मास नंबर रहेगा. ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसके आइसोटोप्स प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है, प्रोटॉन के जो नंबर है, वो सेम है, लेकिन जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो चेंज हो जाते हैं. अब एलिमेंट सेम है लेकिन अंदर के जो टोटल नंबर है वो बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आइसोटोप फॉर्म होता है. लेकिन अभी आइसोटोप बनता क्यों है, इसका जो यूजेस है कि नहीं नेचर के अंदर, या हम लोग को ह्यूमन बींग्स को कुछ इसका कुछ यूजफुल है कि नहीं, वो हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे. सो अभी फर्स्ट टॉपिक ही है यूजेज ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है, अब जो आइसोटोप्स है यूज़ क्या है, मतलब अगर आप बोलोगे कि एक ही एलिमेंट है, अब उसके अंदर अलग अलग नंबर है, हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, एलिमेंट तो सेम है ना, भले ही कार्बन है, एक प्रोटॉन नया आया तो क्या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एलिमेंट के अंदर एक भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ जाता है तो बहुत कुछ हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेज आ सकती है उसके अंदर, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ होता है. ठीक है, तो क्या है हम लोग देखते हैं. नाउ आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. ठीक है, अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, अब ये जो एक वर्ड है आपको मैं सिर्फ एक सिंगल लेक्चर में नहीं बता सकता रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है साइंस के अंदर रेडियो एक्टिव. ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स को नॉर्मली एकदम हार्मफुल है, हम लोग के लिए अच्छा नहीं है रेडियो एक्टिव. ठीक है, सो क्या होता है एक्चुअली में, जो एलिमेंट्स है कुछ कुछ एलिमेंट्स आइसोटोप्स के, वो यूज़ किधर किया जाते हैं, रेडियो एक्टिव में. दे आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड एक्सेट्रा. नाउ यूरेनियम 235, अब जो ये यूरेनियम है ये एक एलिमेंट का नाम है. ठीक है, यूरेनियम जो चीज़ है, यहाँ पे जो वर्ड है ये एक एलिमेंट का नाम है. अब उसका जो आइसोटोप है यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो यूरेनियम 235 है पूरा एक आइसोटोप का नाम है. ठीक है, अब ये किधर यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन में एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. और न्यूक्लियर फिजन मतलब एक, सो जो न्यूक्लियर फिजन है एक टाइप का एक रिएक्शन है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है. ठीक है, मोस्टली ये इतना बड़ा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन, इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि आप इसको एक ब्लास्ट जैसे कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज करता है ये न्यूक्लियर फिजन. ठीक है, सो नेक्स्ट, सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 वापस से कोबाल्ट जो है ये एलिमेंट का नाम है, आर यूज इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फेटल डिजीजेज लाइक कैंसर. ठीक है, अगर कौन से भी पेशेंट को अगर कैंसर है, ठीक है, तो वो कैंसर जो पेशेंट है उसको अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो कोबाल्ट 60 करके एक आइसोटोप है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर लोग जिसको कैंसर होता है. नेक्स्ट आयोडीन 131 और एक आइसोटोप, आयोडीन भी नाम है एक एलिमेंट का. आयोडीन 131 इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये वापस से डिजीजेज है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड का जो डिजीज जो हम लोग को गले में होता है ये सब चीज़. ठीक है, सो अगर आपको ये डिजीज है तो आयोडीन 131 एक आइसोटोप उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स. एग्जाम्पल सोडियम 24 और एक आइसोटोप है, इसका काम क्या है, क्रैक्स या लीकेज है अगर कौन सा अंडरग्राउंड पाइप में तो वो पता लगा देता है. फिर कुछ कुछ जो है आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स, फूड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, फिर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 मतलब कार्बन वाला इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो खोद के जो पुरानी पुरानी चीज़ें निकाली जाती है ना, हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा खोदने के बाद एकदम रेगिस्तान में या कौन से तो सिटी में, जैसे कि बहुत ओल्ड एकदम बहुत पुराने ज़माने का 100-200 साल पुराने का कुछ तो अगर आपको चीज़ मिला है, तो जो C14 है कार्बन 14 ये आइसोटोप, इसका काम क्या है, ये पता लगा सकता है कि कौन सा भी चीज़ कितना पुराना है, मतलब डिटरमाइनिंग द एज, मतलब पता लगा सकता है कि ये जो चीज़ है कितना पुराना है.
ठीक है। तो यहाँ पे 6 अलग अलग आइसोटोप्स के यूजेस बताए गए हैं, सो आप एक एक करके रीड करके आप इजीली एकदम इजी इंग्लिश में बताया गया है। कुछ कुछ डिजीजेज है, कुछ बीमारी को क्योर करता है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी देता है, हम लोग को हेल्प करता है, कुछ खाने को प्रिजर्व करता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं उसको बचाता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी अच्छी यूजेस भी है और कुछ बुरे यूजेस भी है आइसोटोप्स के। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये क्या चीज़ है? सो न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन है। क्या है? मशीन। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। क्या यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है, ये जो वर्ड है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एक मशीन है। अब मशीन सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब ये मशीन करता क्या है? ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब सबके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है, बरोबर। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है? बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एटॉमिक एनर्जी मतलब एटम से, कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो एटम है उनके बीच में वो लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट, जैसे कि अगर आप 10th स्टैंड में जाओगे, जो फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल है उसका, उसके अंदर एक टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में टोटल 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब खोजा गया है, इन्वेंट मिला गया है टोटल में, अभी तलक डिस्कवर किया गया है अभी तलक इतने सालों में 120 एलिमेंट्स टोटल में। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी तलक वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तलक टोटल 120 एलिमेंट्स डिस्कवर किया जा चुका है। तो उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके एटम के बीच में वो लोग रिएक्शन करते हैं और उसके वजह से एटॉमिक एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। क्योंकि एटम्स है, अगर आप बड़े बड़े एलिमेंट के एटम लोगे और उसके बीच में कुछ रिएक्शन करोगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, अब वो केमिकल रिएक्शन एनर्जी देगा, ठीक है। अब सिंस रिएक्शन के अंदर एटम्स प्रेजेंट थे इसलिए वो एनर्जी को नाम क्या पड़ गया? एटॉमिक एनर्जी। और यही एटॉमिक एनर्जी की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक फोटो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में ही है, चेंबूर के आगे, जिसको ट्रॉम्बे करके एक एरिया है, ठीक है। वहाँ पे एक बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BARC भी बोलते हैं, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। चेंबूर के आगे आप जा सकते हो वहाँ पे देखने के लिए। सो इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? जो एनर्जी है न्यूक्लियर का, जो एनर्जी है इन एटम इज रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। अब यहाँ पे आपको इतना कुछ समझ में आया नहीं होगा लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलने जाऊँ तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करता है वो है यूरेनियम-235। यहाँ पे भी लोग ने उसका ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है यूरेनियम-235 में, ये लोग न्यूट्रॉन्स है या कुछ अल्फा पार्टिकल्स रहते हैं या प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? हिट करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप को, ठीक है। क्या करते हैं? मार देते हैं। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे डायग्राम के मदद से। यहाँ पे यूरेनियम का आइसोटोप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूरेनियम का आइसोटोप, दैट इज U-235, ठीक है। अब वहाँ पे रिएक्टर में क्या काम करते हैं वो लोग, जो है वहाँ पे जो काम करने वाले इंजीनियर्स है, ठीक है। आपको लगता है ये लोग ऐसा नॉर्मल क्रिकेट जैसे खेल रहे, बैट बॉल जैसे नहीं कि मैंने बॉल फेंका और कुछ हो गया रिएक्शन, वैसे नहीं होता। एक प्रॉपर मशीन में होता है ये रिएक्टर, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, वहाँ पे यूरेनियम-235 का आइसोटोप रखा जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स जो है, ठीक है, छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स है वो इसकी तरफ हिट करते हैं, मतलब फेंक देते हैं, वही क्रिकेट जैसे, ये बैट है, ये बॉल है, सपोज ये बैट्समैन है तो ये बॉल उसके फेंक रहा है। अब बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन रिएक्ट क्या करता है, बॉल को मारता है, 4-6 या 2-3 रन्स भागता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही मशीन के अंदर ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स यूरेनियम को जाके हिट करते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन फॉर्म होता है, और जिसके वजह से ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब दो टुकड़े में फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्या होता है, दो टुकड़े में फॉर्म हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। अब टूटने के बाद ये अलग अलग एलिमेंट बन जाता है, टूटने के बाद ये एक अलग एलिमेंट और ये एक अलग एलिमेंट बन जाता है,
ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस में जो जब ये न्यूक्लियस, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये एक सिंगल एलिमेंट है, अब इसके वजह से ये चीज़ तो टूट गया, अब ये एलिमेंट के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, उसके प्रोटॉन्स रहते हैं, उसके पास एक खुद का न्यूक्लियस है। अब सबको पता है जो न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कौन से भी एटम इसके अंदर। अब जब वही टूट गया, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस टूट जाता है, मतलब कुछ तो रिएक्शन हुआ ना न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कौन सा तो न्यूक्लियस का रिएक्शन हो गया। अब ये होने के बाद इतना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, इतना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और फिर दो अलग अलग फॉर्म हो गया, अब इसके वजह से इतना बड़ा एनर्जी, इतना बड़ा एटॉमिक एनर्जी रिलीज होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इतने एनर्जी की मदद से। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल में बताया, यहाँ पे वो लोग ने लिख के बताया, क्या बताया यहाँ पे देखो, यूरेनियम 235, ठीक है, ऑन बोम्बार्डमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब वही बोला है, बोम्बार्डमेंट मतलब फेंका जाता है यूरेनियम की तरफ, यही बोम्बार्डमेंट का मतलब है, ठीक है, विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है यूरेनियम को हिट करते हैं, मतलब बोम्बार्ड करती है, यहाँ पे लोग ने ऐसे ही बड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है, आपको उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बोम्बार्डमेंट का मतलब फेंक देना कौन सी भी चीज़ के ऊपर, ऐसा हिट कर देना, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जाके किसको लगता है, यूरेनियम को लगता है। अब उसके वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का क्या होता है, मैंने जैसे बोला, जैसे ही ये इसको मार देता है एक रिएक्शन फॉर्म होता है, अब वो रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियर फिजन। अभी क्या होता है, इसके वजह से टू फॉर्म न्यूक्लियर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, जैसे इसको हिट कर दिया ये स्प्लिट हो जाएगा आधे में, दो दो बन जाएगा, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। अब ये तो दो है चीज़, अलग अलग एलिमेंट बने हैं, उसका नाम क्या है, पहले वाले का नाम है क्रिप्टॉन 92, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट का नाम क्या है, क्रिप्टॉन 92, और दूसरे वाले का नाम क्या है, बेरियम 141, ठीक है, एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स कुछ जो बच जाते हैं, अलग अलग बच जाते हैं, तो उसके बाद ये दो भी चीज़ बच जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे यूरेनियम 235 है, न्यूट्रॉन्स को मैंने इसके ऊपर फेंका, ये इसके ऊपर लगने के बाद एक रिएक्शन हुआ जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इंटू टू डिफरेंट या उससे ज़्यादा नए नए एलिमेंट्स में बन जाता है, ठीक है। अब क्या एलिमेंट बन गया, क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन 92, बेरियम 141, और कुछ बच जाते हैं 2 to 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दिस न्यूट्रॉन्स, जब आप जो न्यूट्रॉन्स आप फेंक रहे हो उसका अगर आपने स्पीड जो है डिक्रीज कर दिया, मतलब कम कर दिया, ठीक है, सो दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फिजन ऑफ मोर U 235 न्यूक्लियाई, और फिजन बन जाता है और न्यूक्लियर फिजन होता है अगर आपने न्यूट्रॉन्स का स्पीड कम कर दिया तो। नाउ इन दिस वे अ चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस। अब इसके मदद से क्या होता है, एक चेन रिएक्शन बनता है, क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन का चेन रिएक्शन बन जाता है। नाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन, बरोबर। अब अगर आप ये बार बार कर रहे हो, ठीक है, बार बार कर रहे हो, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो आप उसके ऊपर फेंक रहे हो न्यूट्रॉन्स को, वो स्प्लिट हो रहा है, दो क्रिप्टॉन एक बेरियन बन रहा है, वापस आप करते रह रहे हो कंटिन्यूसली, तो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, और ये बार बार हो रहा है तो एक न्यूक्लियर फिजन भी बार बार हो रहा है, बरोबर। अब एक चेन, प्रॉपर चेन रिएक्शन बन गया, अगर आप कौन से भी चीज़ को बार बार तोड़ रहे हो, बरोबर, तो एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस टूट रहा है एलिमेंट का, मतलब जो यूरेनियम है उसका जो बीच वाला मेन पार्ट, मतलब जो न्यूक्लियस है, अगर वो स्प्लिट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। नाउ द चेन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन, ठीक है। अगर ये एक्सट्रीम में चलेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर आप गूगल में जाओगे तो बहुत सारे न्यूक्लियर, अगर आप बस आपको ये देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सीडेंट, ये गूगल में जाकर आपको सर्च करना है तो आपको देखने मिलेगा कि कभी कभी ऐसा सीन भी हो जाता है केसेस में कि ये जो पूरा रिएक्शन है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इतना ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी, इतना ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी रिलीज होता है कि ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि आजू बाजू 3-4 किलोमीटर को इफेक्ट हो जाता है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक है।
So, to control the chain reaction in the nuclear reactor, it is necessary to decrease the speed and number of neutrons. अगर आपको इसको control में रखना है, so जो speed है और number of neutrons है, उसको control में रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर जितने ज़्यादा neutrons आप uranium की तरफ फेंकोगे, उतना ज़्यादा reaction continue होता जाएगा. ठीक है? So, ये पूरा एक रिएक्शन है न्यूक्लियर के अंदर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होता है और क्या होता है. यहाँ पे देखो डायग्राम भी बताया है, यहाँ पे यूरेनियम 235 है, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रॉन को फेंका, फेंकने से क्या हो गया, ये ऐसे देखो स्प्लिट हो गया और यहाँ पे क्रिप्टॉन और यहाँ पे बेरियम, दो अलग अलग चीज़ बन गया. अब ऐसे लोग करते जाते हैं, न्यूक्लियर स्प्लिट होते जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और फिर ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है. ठीक है? तो ये जो पूरा रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन. ठीक है? क्या बोलते हैं हम लोग इसको, न्यूक्लियर फिजन. सो नेक्स्ट एक कुछ तो टॉपिक दिया है मॉडरेटर. नाउ ग्रेफाइट और हैवी वाटर. क्या ग्रेफाइट एक एलिमेंट का नाम है, ठीक है, और हैवी वाटर या तो हैवी पानी इज यूज एज अ मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये काम है, क्या काम है इसका, ग्रेफाइट या पानी का क्या काम करता है, ये जो न्यूट्रॉन्स है ना जो हम लोग फेंक रहे हैं यूरेनियम के ऊपर, उसका स्पीड को कम करता है. ठीक है? नेक्स्ट कंट्रोलर. कंट्रोलर क्या करता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय अब्जॉर्बिंग देम, रॉड्स ऑफ बोरॉन कैडमियम बेरिलियम एटसेट्रा आर यूज एज अ कंट्रोलर. अभी क्या हम लोग को ज़्यादा न्यूट्रॉन भी नहीं फेंकना है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ही फेंकना है, या हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग को 5 ही न्यूट्रॉन फेंकना है, तो अगर गलती से 7-8 चले गया मतलब रिएक्शन बड़ा हो जाएगा. ठीक है? सो अगर आपको न्यूट्रॉन के नंबर को रिड्यूस करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, रॉड्स. रॉड मतलब सबको पता है खंबा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, एक रॉड है स्टील रॉड. किसका रॉड, बोरॉन कैडमियम बेरिलियम एटसेट्रा, ये भी क्या है, एलिमेंट्स के नाम है. ठीक है? जो मैंने अभी बताया था जस्ट 10 मिनट पहले कि दुनिया में टोटल 120 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर किया गया है, तो उसके अंदर ये बोरॉन कैडमियम और बेरिलियम भी है. तो ये इसका यूज़ क्या है, कंट्रोलर, कि कंट्रोल करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, जितना हम लोग को चाहिए उतना ही जाएगा. ठीक है? नाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फिजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज अ कूलेंट. अब इतना बड़ा अगर एनर्जी, इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन होगा, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, गर्मी. बराबर, गर्मी होगा. तो अब वो जो हीट है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पानी, ऑब्वियसली एज अ कूलेंट. पानी क्या करता है, ठंडा कर देता है इतना हीट को. नाउ वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट बाय मीन्स ऑफ द स्टीम टर्बाइंस आर ड्राइवन. अब इसके वजह से क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है और फिर ये स्टीम क्या करता है, टर्बाइंस को, सबको पता है टर्बाइन क्या होता है. ठीक है? जो ये एक टाइप का मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है? और फिर लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो इतना बड़ा करके हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है. ठीक है? अब जो ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे, ये वर्ल्ड में, अर्थ में, बहुत सारे कंट्रीज में, हर कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, हर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती से एक्सीडेंट होता है. ठीक है? तो कुछ 1990s में, ठीक है, 1980s की 90s में जो रशिया का एक पार्ट था, जो उसको अभी यूक्रेन बोलते हैं, वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर था शर्नोबिल करके. ठीक है? शर्नोबिल एक सिटी है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो नॉर्मल देखने गया तो 20-30 साल पहले की बात है ये, लेकिन वो एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उसके वजह से जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो अभी भी है वहाँ पे, और अभी भी वो जो सिटी है टोटली बंद है, वहाँ पे अभी कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है? नॉर्मल इंसान, मतलब हम जो कोई भी एकदम हेल्दी इंसान भी अगर वहाँ पे जाएगा ना तो 3-4 दिन के बाद वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है और रेडियो एक्टिविटी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो इसके बारे में, कि जो शर्नोबिल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको पता चल जाएगा, CH, आपको बस ये जाके गूगल पे सर्च करना है शर्नोबिल एक्सीडेंट,
ठीक है, यूट्यूब या गूगल के ऊपर, किसके भी ऊपर, आपको वहाँ पे क्लियरली पूरा एकदम अच्छे डिटेल में आपको पता चलेगा कि रिएक्टर चलता कैसे है, ठीक है, उसके मदद से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल गया तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर का जो एक्सीडेंट है, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा था कि वो रेडियस जो है, जो एक्सीडेंट हुआ, सपोज ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके आजू बाजू का जो एरिया है ना, वो 20 से 30 किलोमीटर के दूरी पे जो इंसान लोग रहते उनको भी इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। मतलब अगर कुरला में ब्लास्ट हुआ, ठीक है, सपोज़ अगर कुरला में ब्लास्ट हुआ तो चर्च गेट बोलो या विरार बोलो, वो साइड के लोगों को भी उसका जो नुकसान भुगतना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद जो यूरेनियम जो था अंदर का, उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी बाहर आने लग गई और फिर वो एक बार बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर दिया, जो रेडियो एक्टिव के जो रेज है बहुत हार्मफुल है, उससे आपको फिर कैंसर होगा, आपका बॉडी मेल्ट हो जाता है, इतना सेल्स डैमेज हो जाता है कि कुछ कुछ लोग जो है जो वहाँ पे ऑन द जो एक्सीडेंट के दिन पे वहाँ पे प्रेजेंट थे वो 2-3 घंटे के अंदर ही मर गए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्मफुल था वो रेज रेडियो एक्टिव का। सो नाउ इन इंडिया टोटल 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, टोटल कितने हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इन 8 प्लेसेस दैट आर फंक्शनिंग, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर कितने हैं टोटल, 22 है और कितने लोकेशन पे हैं, 8 जगह पे है और जो काम कर रहा है। फिर कौन से है, वो अप्सरा एट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई के अंदर है, इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। सो अगर आपको कोई पूछता है कि इंडिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो आप बोल देना कि मुंबई के अंदर अप्सरा है जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, ठीक है, विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4th August 1956। मतलब ये जो चीज़ था, जो अप्सरा था, वो क्रिटिकल कंडीशन में चले गया था कभी, 4th August 1956। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232, यहाँ पे आइसोटोपिक है थोरियम का एलिमेंट का। देयरफॉर इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फ्यूचर प्लान फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप यूरेनियम 233 एंड थोरियम 232, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के ऊपर था। सो अब मैं बोलता हूँ आपको, अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर, जो चेर्नोबिल का एक्सीडेंट था वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था और उसके वजह से जो नुकसान हुआ वो अब भी तलग है। मतलब आप सोचो कि वो एक्सीडेंट जो है वो 30 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी भी वो प्लेस डेंजरस है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इतना ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, सो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, सो प्लीज़ डू आस्क डाउट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।